हेलो फ्रेंड्स, योगेंद्र शर्मा फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करते हुए आज मैं हॉर्नबिल क्लास 11th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, इस चैप्टर को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, पहले से ही मुझे ये आशा भी है, होप करता हूँ मैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो लगातार देखनी होगी और इसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इवन अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि वो भी इनको शेयर करें, लाइक करें यदि उन्हें अच्छा लगता है। तो चलते हैं हम किसकी तरफ, चैप्टर की तरफ, जिसका नाम हमने बताया भी डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। इसका मतलब टट की डिस्कवरी है। टट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा मैं। यहाँ पर टट उसका नाम है, शासक का नाम, एम्परर का नाम है, जो कि एक डायनेस्टी थी, उसका अंतिम शासक था। डायनेस्टी कहते हैं राजवंश के लिए, उस राजवंश का अंतिम शासक हुआ करता था, तो उसका है ये द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब एक स्टोरी जिसमें गुणगान किया जाते हैं, एट्रीब्यूटिव स्टोरी जिनको कहा जाता है, गाथाएँ जिनको कहा जाता है, वो कंटिन्यूज रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो इसमें क्या है कि ये जो टट है ये बहुत ही किशोर अवस्था में, मीन्स टीनेज में ही ये मर चुका था। तो इसकी फिर मम्मी को सुरक्षित रखा गया, मम्मी बनाई गई डेड बॉडी की, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रयोग किए गए। उन प्रयोगों में से बहुत सारी बात निकल के आई, जैसे कि एक बात निकल के आई कि ये अपनी मौत नहीं मरा था बल्कि इसका मर्डर किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आईं उसमें, सीटी स्कैन आदि सब, इसकी मम्मी का करना सब कुछ। तो लास्ट में यही आता है कि जो शरीर था उसमें कुछ चोटें भी थीं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी, हालांकि कोई कंप्लीट निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल करके आते हैं, तो उनको आज हम इस वर्ड बाई वर्ड चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर वैन ही डाइड। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह बिल्कुल टीनेजर था, अर्थात किशोर था। द लास्ट ईयर अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और उस पावरफुल परिवार का, उस पावरफुल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था, हियर मीन्स उत्तराधिकारी, जिसने मिस्र में उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। उसे सोने से लाद कर विश्राम करने के लिए, सोने से लाद कर आराम कराने के लिए दफना दिया गया था, और इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंततः उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। तो सन 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद से ही ये जो मॉडर्न वर्ल्ड था, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में, इस विषय में अनुमान लगाने में ये दुनिया जुट गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और जो सर्वाधिक जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी, जो सर्वाधिक जो संभावना थी उसकी हत्या होने की थी, कि उसकी हत्या की गई है। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन That offers new clues about his life and death. तो लगभग 80 वर्षों में पहली बार उसके मकबरे को छोड़ने से पूर्व जो टट था ये उसका सीटी स्कैन हुआ, जिससे उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए क्लू कुछ हासिल हुए। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फरा। जिससे क्या हुआ, जिससे जो बालक फरा था, फरा एक वंश का नाम है, उसकी जो विशुद्ध फॉरेंसिक जांच होनी थी, किसके लिए, पुनर्संरचना के सही आंकड़े उसी से प्रस्तुत होते हैं। ए एन एंग्री विंड स्टायर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सीमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स। तो जब राजा टट को उसकी आराम गाह, अर्थात कब्र में से,
जो कि प्राचीन मिस्र की समाधि क्षेत्र जो कि राजाओं की घाटी के नाम से जानी जाती है, सीमेट्री कहते हैं उसके लिए, जहाँ पर लोग जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं। तो वहाँ से जब उसकी टूटके शरीर को बाहर निकाला गया मम्मी को, तो एक बहुत ही नाराज़ दिखती हुई, लगभग क्रोधित होती हुई हवा ने जैसे भूतों जैसे बड़े 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 क्या बादल से खड़े कर दिए थे। लिखा हुआ ना इसमें, डार्क वैलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। तो बड़े बड़े बादल उसने खड़े कर दिए थे जो कि पूरे दिन आसमान में तेजी से उड़ते हुए, और अब तारों को भूरे रंग की जो टोकरी थी, ये समझिए कि उन्होंने उसको एक घूंघट से ढक सा लिया था। तो इस तरह का वो बादल से खड़े हो गए। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी जिल्डेड हेड फर्स्ट इन टू ए सीटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। तो सन 2005 में, 5 जनवरी सन 2005 की शाम को 6 बजे, ये दुनिया की जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ममी थी उसको सिर की तरफ से धीरे धीरे स्कैनर में अंदर किया गया। वो स्कैनर में अंदर की गई जिससे ये जो युवा गुप्त शासक था जो कि 3300 वर्ष पहले मरा था, उसकी चिकित्सकीय जो जांच थी, दीर्घकालिक जो रहस्य थे उनको जांच हेतु वहाँ पर लाया गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब सम 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट्स। तो जब उसकी मम्मी वाला जो स्थान था, तो इसमें लिखा हुआ है कि सारी दोपहरी दुनिया भर से आए लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, जो पर्यटक होते हैं उनकी सामान्य जो लाइन थी वो धरती के इस ज़मीन के 26 फुट नीचे जो चट्टान से काटकर बनाया गया तंग मकबरा था उसमें उतरती चली जा रही थी। एक लाइन से लोग उसके अंदर जा रहे थे। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। तो वो सभी जो कब्र की जो भित्ति चित्र थे, मुरल्स जो बोलते हैं जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं उनको मुरल्स कहा जाता है, उनको एकटक देखते हुए अंदर चले जा रहे थे। और एंड पियर्ड एट द टुट्स जिल्डेड फेस, और टुट का जो जिल्डेड फेस था, जो सोने से जड़ा हुआ चेहरा था, उसको भी देखते हुए चले जा रहे थे, टुटके को, चेहरे को। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेफ्ड आउटर कॉफिन लिड है, जो ये समझिए कि जो सबको ढकने वाले ढक्कन पर बना हुआ था वो चेहरा, उसको लगातार देखते हुए चले जा रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर। कुछ जो विजिटर्स थे, जो कुछ वहाँ पर जो पर्यटक थे, वो फुसफुसाकर उस गाइड बुक को पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे कुछ शांत खड़े हुए थे, जो साइलेंट खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद यह सोच रहे होंगे कि असामयिक मृत्यु उसकी जो उत्तरावस्था में ही, किशोरावस्था में ही हो चुकी थी, उसके बारे में शायद मनन चिंतन कर रहे होंगे। और वंडरिंग विद ए शिवर, और या डर की वजह से एक बात और सोच रहे होंगे, इफ़ द फराज कर्स, कि यदि फराह का अर्थात उस शासक का टट का यदि श्राप साबित हो गया, सच में ही सच हो गया वो वास्तव में अभिशाप, यदि सच साबित होता है तो क्या होगा, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम। हाँ, तो उन लोगों को जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया था उनकी या तो मृत्यु हो सकती है, क्या हो सकता है, मृत्यु, या उनके लिए दुर्भाग्य हो सकता है जिन्होंने उसे वास्तव में परेशान किया था। द मम्मी इज इन द वेरी बैड कंडीशंस बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 सेड जाही हवास सीक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। कहता है, क्या लिखा हुआ है इसमें, कि जब सन 1920 में कार्टर एक वो था आर्कियोलॉजिस्ट, तो पुरातत्ववेत्ता जिसको बोलते हैं, तो उसने 1920 में जो भी कुछ किया उस कारण यह ममी
बहुत ख़राब हालत में हो गई थी. दिस मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, कि 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसके कारण ये मम्मी बहुत ही ख़राब दशा में हो चुकी थी. एंड किसने कहा ये बात? ये बात जो सर्वोच्च परिषद है वहाँ के मिस्र की पुरातत्व विभाग की, उसके महासचिव जाही हवास ने उस मरे हुए शरीर को मृत शरीर की ओर झुककर पहली नज़र में उसकी तरफ गौर से देखते हुए ये बात कही थी. किसने कही? जाही हवास ने. कार्टर होवार्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. तो कार्टर, जिसका नाम पूरा हॉवर्ड कार्टर था, जो एक अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री था, जिसने सालों के असफल प्रयास के बाद, असफल खोज के बाद 1922 में उस टोटका मकबरा खोज लिया. 1922 में खोज लिया उसने. इट्स कंटेंट दो हेस्टली रैनसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट. उसकी जो आंतरिक सामग्री थी, हालांकि बहुमूल्य चीज़ों की खोज में है शीघ्रता में उसको लूट लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो बड़ी अद्भुत थी. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराज लीजेंड. तो वे सभी वो जो चीज़ें थीं, तो वो कैसी थीं? अभी तक जो प्राप्त हुई वस्तुएं थीं वो सर्वाधिक जो समृद्ध शाही भंडार था उसमें से थीं, और ये जो फराह था अर्थात जो ये डायनेस्टी थी, जो अंतिम शासक था, उसके साथ ही उसका अभिन्न भाग बन गई थी, मीन्स उसी के साथ थी. स्टनिंग आफ्टर फैक्ट्स इन गोल्ड. हाँ, तो ये जो खोज हुई थी, खोज के दौरान जो सोने से बनने वाली थी वो सब चीज़ें अचंभित करते हुए दे आर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन. तो जो अचंभित करने वाली जो कलात्मक चीज़ें थी उनका जो दमक थी, अर्थात जो उनकी जो तेज है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है पुनर्जीवन की गारंटी. गारंटी रिसरेक्शन. रिसरेक्शन कहते हैं जो पुनः जीवित हो जाए, जो मृत्यु से उठ कर के आ जाए. तो ये सब चीज़ें क्या थी? उसकी गारंटी थी. और वो कैसे? कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी. और इस बात ने खोज के समय एक सनसनी पैदा कर दी थी. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन. और आज भी लोग उस पर बहुत अधिक ध्यान देते थे. सर्वाधिक ध्यान वो अभी भी आकर्षित कर लेती थी. बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीथिंग एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. और टूट को भी जो दैनिक इस्तेमाल में चीज होने वाली वस्तुएं थीं उनके साथ साथ दफन किया गया था. क्या सोच करके? कि आफ्टर लाइफ में, अर्थात अगले जीवन में उसको ज़रूरत पड़ेगी. जिसमें क्या क्या था? बोर्ड जेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन, अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. जिसमें क्या क्या था? कोई खेल होगा, एक कांसे का रेजर था, लिनेट के कपड़े थे, भोजन और शराब आदि की पेटियाँ थीं सब कुछ उसमें. तो ये सब किस लिए रखा गया था? कि आफ्टर लाइफ में वो सब चीज़ें काम में आएंगी. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराज फ्यूनरी ट्रेजर्स. तो फराज के दफन संबंधी खजानों को महीनों तथा ध्यानपूर्वक अवलेखित करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. कार्टर ने उसके जो एक दूसरे से रखे जो तीन ताबूत थे आसपास, उनकी जांच शुरू करती. ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को देखते हुए उसने क्या देखा? जब पहले को खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल ऑन मार्च और अप्रैल. तो उस पहले को खोलने पर उसमें क्या मिला? उसे एक कफन मिला, जो विलो होती है, एक बेल होती है, उसके जिसमें उसके फूलों की माला और जैतून के जो जंगली पत्ते थे, अजवाइन, कमल की पंखड़ियाँ और जो मक्के के फूल होते हैं उसकी माला, उन सब में रखी हुई थी. और जो इस बात का संभवतः एक साक्षी थी, जो एविडेंस था कि उसका जो अंत्येष्टि है वो कब हुई थी, शायद बरियल जो हुआ, बरियल का मतलब दफनाना, उसको जो दफनाया गया है वो शायद मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था. व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी. और जब ये कार्टर अंत में मम्मी के पास पहुंच गया, मम्मी तक पहुंच गया जहां उसकी मम्मी थी, दो ही रैन इनटू ट्रबल, यद्यपि उसे कष्ट भी हुआ,
कठिनाई का उसको सामना करना पड़ा. द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. तो उस प्रयोग में जो होने वाली जो राल थी वो कठोर हो गई थी, और क्या था कि जो टुट जो था, जो उसकी ठोस जो स्वर्ण कहने का मतलब सोने से बड़ा जो कॉफिन था, उसकी समय सतह पर वो एक सीमेंट की तरह जम गया था. टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, बिल्कुल सीमेंटिंग इसमें लिखा हुआ ना, सीमेंटिंग, तो सीमेंट की तरह वो जम गया था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. लिखा हुआ था कि किसी भी मात्रा में कोई भी प्रयुक्त बल, लेजिटिमेट जायज बल, उसको हिला नहीं सकता था. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में ऐसा लिखा था. व्हाट वाज टू बी डन, आखिर क्या किया गया था ऐसा. द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स. तो मिस्र के इस दूर वाले दक्षिण क्षेत्र के भाग में धूप की जो रोशनी थी इसे हथौड़े की तरह से तोड़ सकती है, और कार्टर ने जो इसका प्रयोग किया था, इसके प्रयोग द्वारा जो उस पर राल लगी हुई थी, रेजिन लगी हुई थी, उसको ढीली करने की कोशिश उसने की. लूजन द रेजिन्स फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक. ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. उसने चिलचिलाती धूप में उस ममी को रख दिया, चिलचिलाती धूप में रखा. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फारेनहाइट, जो कि 149 डिग्री फारेनहाइट तक उसने उसको गर्म कर दिया. नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटेचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स. तो क्या कहा उसने, उसने बिल्कुल वैज्ञानिक लहजे में ये बात सूचित कर दी प्रवर्तन वाली, कि राजा के अवशेषों को निकालने को संभव बनाने से पहले जो उसमें जमे हुए पदार्थ थे उसको उनके अंगों व धड़ का निचला भाग उसकी छेनी से काटना पड़ेगा. चिसलवे, चिसलवे का मतलब छेनी से काटना, चिसेल डबिले. तो इन इज डिफेंस, अपने बचाव में, किसने कहा था ऐसा, कार्टर ने कहा था. तो फिर अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत ही कम विकल्प बचे हुए थे. इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, यदि वह ममी को काटकर अलग नहीं करता तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. तो निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों को चकमा दे करके जो चोर थे वो सोना प्राप्त करने के लिए ममी को तोड़ फोड़ करके अलग कर सकते थे. इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी. टुट के समय में जो रॉयल्स थे, जो राजवंश था, वो वास्तव में बहुत अधिक धनी था. एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और वो ऐसा सोचते थे या वो ऐसा मानते थे कि वो अपने सारे धन को अपने साथ ही ले जाएंगे, अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं. तो और उस धन 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 ऐसा क्या था उनके पास. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. हैं तो उसकी उस यात्रा के लिए, महान यात्रा के लिए, अर्थात मृत्यु के पश्चात जब वो जहां वो रखा जाना था, तो वहां पर बहुत सारी चमकदार चीजों से उसको लाद दिया गया जो कि सोने आदि से निर्मित थी. और वो क्या क्या थे इस पर लिखा हुआ है. प्रेसियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुल्ट्स, ए सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. सभी बिल्कुल प्योर गोल्ड के थे. और वो क्या क्या थे, शुद्ध सोने से निर्मित क्या क्या चीज़ थी वो, जिसमें कीमती कॉलर था, जड़े हुए हार था, और ब्रासलेट जो हाथों में पहने जाती हैं वो थी, अंगूठियाँ थी, ताबीज़ था, और अनुष्ठान जो एप्रन होता, जो एप्रन को जैसे डॉक्टर आदि जो पहनते हैं वो था चोगा, जिसको हिंदी में कहते हैं चप्पल, हाथ और पैर की अंगुलियों के लिए जो उनके अंगुस्तान होते हैं वो, और उसकी मूर्तिनुमा ताबूत और नकाब,
इतनी सारी चीज़ें थी और वो सब किसके थे, बने हुए थे, प्योर गोल्ड के थे। टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव्ड हिज ममीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो टुट को उसके गहनों से अलग करने के लिए जो कार्टर के व्यक्ति थे, कार्टर के सहयोगी थे, उन्होंने ममी का सिर तथा करीब करीब प्रत्येक मुख्य जोड़ को काट करके अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उनका ये कार्य समाप्त हो गया, दे रिसेम्बल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विथ पैडलिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। तो उन्होंने जो अवशेष बचे थे उन अवशेषों को लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर पैड द्वारा दोबारा से जोड़ दिया गया, जिससे वो जो टूट फूट थी, जो डैमेज था, वो कंसील हो गई, अर्थात वो ढक गई। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, और यह वही बिस्तर है जहाँ पर टुट अब विश्राम करता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सबस्टेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तो बीच के जो दशक हैं, डिकेड, जो ये पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कहा जाता है, उसमें जो पुरातत्व था वो वास्तविक रूप से बदल गया था और उसका ध्यान कोष पर अधिक न होकर के जीवन व मृत्यु के रहस्यों पर अधिक केंद्रित हो गया था। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, हैं इसमें और अधिक जटिल औजारों के साथ साथ, एक चीज़ और थी औजारों के साथ साथ, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान का की तकनीक का भी प्रयोग होता था। इन 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के भी लगभग 40 वर्षों के बाद, इन 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी। तो जो शारीरिक विज्ञान होता है उसके जो प्रोफेसर है, उन्होंने उस ममी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया, और वो तथ्य क्या था, बनीथ द रेजिन दैट केक्स इज चेस्ट, कि जो रेजिन जो थी, जो राल जो लगी हुई थी, जो उस पर उसकी छाती पर बड़ी कठोरता से जमी हुई थी, उस राल पर हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो उसके नीचे की उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां उस वहां से गायब थीं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। तो आज क्या हो सकता है, आजकल जो निदान संबंधी जो इमेज होती है, जो हल संबंधी जिसका हल किया जा सकता है, उसकी जो इमेज होती है वो कंप्यूटर नियंत्रित टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी भी कह सकते हैं, सीटी स्कैन जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को काटती हुई सैकड़ों जो किरणें डाली जाती हैं, जिनसे जैसे ब्रेड होता है तो ब्रेड के टुकड़ों की तरह एक आभासी, जिससे आभासी का मतलब जिसका आभास किया जा सके, तीन आयामी शरीर की रचना हो सकती है उससे तीन तरह के शरीर की रचना होती है, वर्चुअल बॉडी। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूट्स देन द एक्सरे। और एक बात और कि सीटी स्कैन एक्सरे के अतिरिक्त टूट के विषय में और क्या खुलासा कर सकता है, क्या खुलासा हो सकता है, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट देम। और क्या वह उन दो बड़े सवालों का जवाब दे पाएगा जो अभी भी उसके आसपास बने हुए हैं, दो सवाल अभी भी खड़े हुए हैं, हाउ डिड ही डाई, कैसे वो मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मरते समय वह कितनी उम्र का था। तो इस सब बात का ये जो प्रश्न है, दो प्रश्न ये सदैव बने रहेंगे। किंग टुट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी। तो जो शाही मापदंडों के आधार पर जो राजा टुट था, उसकी मृत्यु एक बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। वह अपने परिवार के कुल का अंतिम सदस्य था और उसकी जो अंत्योष्टि थी उसके वंश के लिए एक मौत की
घंटी थी बट। बट क्या होता है? बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इस्ट आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसके जो मृत्यु होने और उसके बाद के जो पर्टिकुलर्स हैं, मीन्स विवरण हैं, वो अभी भी अस्पष्ट हैं, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अमेन होटेप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंड फादर। तो जो अमेन होटेप था थर्ड, जिस तृतीय जिसको बोला जा सकता है, वो या तो टूट का पिता था या ग्रैंड फादर था, कुछ भी था। वॉज ए पावरफुल फरा हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेट्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। तो इसने 18वें राजवंश के 18वें स्वर्ण युग की जो चरम सीमा थी उस पर लगभग 4 दशकों तक उसने शासन किया था। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। तो उसका बेटा जिसका नाम एमेनहोटेप फोर्थ था उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और उसने जो प्राचीन मिस्र के इतिहास में सर्वाधिक एक तरह से विचित्र स्ट्रेंज युग की शुरुआत की। क्या शुरुआत की उसने? सर्वाधिक स्ट्रेंज युग की उसने शुरुआत कर दी। द न्यू फराह प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क चेंज इज नेम टू एखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन। तो इस नए फराह ने अर्थात नए शासक ने एटन की पूजा और सूर्य के चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया तथा अपना नाम बदल करके इसने अखेनटेन बदल कर रख लिया। अर्थात इसका मतलब क्या था? अटेन का दास। इसका मतलब क्या था? अटेन का दास। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनेटन नोन नाउ एज अमरना। और थीबेस की अपनी पुरानी राजधानी जो कि धार्मिक राजधानी थी वहाँ से इस अखेनटन की नई नगरी में पहुँचा जो जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। अमरना के नाम से भी वो विख्यात है पूरी तरह से। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग एम्यून ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। अब उसने एक काम और किया आश्चर्य के लिए कि उसने एक प्रमुख देवता जिसका नाम अमुन था उस पर आक्रमण करके उसकी सारी मूर्तियां तोड़ दी। सारी मूर्तियों को उसके उसने तोड़ दिया एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और उसके सारे मंदिरों को बंद करवा दिया। और इस काम से पूरी जनता अचंभित हुई। तो जब सारे मंदिर बंद हो गए तब क्या होता है? इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम सैड रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। तो क्या कहता है ये जो थीब्स के लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो रिसर्च केंद्र था उसका निदेशक रे जॉनसन, उसने क्या कहा था? हाँ, कि अवश्य ही भयानक काल रहा होगा। लिखा है ना इसने इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम कि अवश्य ही बहुत बुरा काल रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड कि वह परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया अब वो समाप्त हो रहा था। एंड देन एखेनेटन वेंट ए लिटिल वैकी और उसके बाद में जो एखेनेटन था वो थोड़ा बहुत सनकी हो गया था। आफ्टर एखेनेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इस्मेंग खकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस। तो एखेनेटन की मृत्यु के बाद इस्मेंग खकरे एक तरह से रहस्यमयी शासक जो कि कुछ समय के लिए दिखाई दिया ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस और बिना कोई पहचान छोड़े ही एग्जिट हो गया, चला गया। एंड देन ए वेरी यंग टुटनखाटेन टुक द थ्रोन। उसके बाद बहुत ही युवा टुटनखाटेन ने सिंहासन को संभाला, थ्रोन को संभाला। किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, हैं जैसे कि आज व्यापक तौर पर टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामून लाइविंग इमेज ऑफ एमून। तो उस बालक राजा ने अपना नाम बदल करके टुटनखामून रख लिया जिसका मतलब क्या है? अमून की इमेज, सजीव छाया, प्रति छाया। एंड ओवर सो ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज और पुराने ढंगों को उसने दोबारा से अपनाया। रेस्टोरेशन माने क्या होता है? पूर्व की तरह कर देना, रेस्टोर, रीस्टोर, है ना।
ही रीन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टुट इज वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट। तो टुट की प्रसिद्धि और उसके जो भाग्य संबंधी अटकलों की ओर ध्यान आकर्षित किए बिना टुट की ममी मिस्र की कई ममियों में से एक है। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी है ये कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो कितनी है कोई नहीं जानता। ये मिस्र की जो ममी परियोजना थी इजिप्ट की, जिसमें 2003 के अंत तक एक खोज आरंभ की गई थी, उसने अब तक कितनी ममियों की गणना की है, ऑलमोस्ट 600, लगभग 600 ममियों की वो गणना कर चुका है, लगभग 600 ममियों की गणना की है और अभी भी एंड स्टिल काउंटिंग और अभी भी हो रही है। द नेक्स्ट फेज, और जो अगला चरण होगा, स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और अगले चरण में क्या होना है, राष्ट्रीय भौगोलिक समिति तथा सीमेंस जो निर्माता हैं उनके द्वारा दान में दी गई जो पोर्टेबल सीटी मशीन है उसके द्वारा ममी का सूक्ष्म निरीक्षण होगा, सीटी होना है। किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। तो जो किंग राजा टुट की जो ममी थी वो सबसे पहले जांच करने वाली ममियों में से एक थी, एक है वो। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। हाँ, तो जीवन की तरह मौत में भी वह देशवासियों से राजसी ढंग से, रीगली राजसी तरह से अग्रणी ही था, कहने का मतलब देशवासियों से आगे ही था। ए सीटी मशीन स्कैंड द मम्मी हेड टू टो। तो उस सीटी मशीन ने हेड से लेकर के टो तक, कहने का मतलब सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक, उसका स्कैन किया और उसमें क्या चीज़ पैदा हुई, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। हाँ, लगभग 1700 जो डिजिटल जो काटने वाली जो तरंग हैं एक्सरे की जो चित्रों हैं उनका निर्माण करते हुए लगभग कितना क्या हुआ, सिर से पैर तक उसका स्कैन किया गया। टुट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो टुट के सिर को जो स्कैनिंग थी उसकी जो जटिल, इंट्रिकेट का मतलब जटिल कॉम्प्लिकेट जिसको बोलते हैं, संरचना को दर्ज करने के लिए 0.62 मिलीमीटर के को टुकड़ों में किया गया उसके सिर को। उसके पश्चात क्या हुआ, कितने में किया गया, 0.62 टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और परिणाम स्वरूप जो रिजल्टिंग इमेज थी अर्थात निर्मित चित्र था उसका अद्भुत तरीके से विवरण हुआ। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded and protected for so long. तो टुट ने संपूर्ण शरीर के विवरण को इसी प्रकार दर्ज करने के बाद रेडियोलॉजी, वैज्ञानिक फॉरेंसिक, शारीरिक जो रचना वाले वैज्ञानिक थे उनके विशेषज्ञों का जो दल था उन्होंने रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, जिसका जो संरक्षण था वो उस पवित्र मकबरे, श्राइन के लिए आया यहाँ पर मकबरा, की पंखों वाली देवियां कर रही थी। कौन कर रही थी उसका संरक्षण, देवियां, पंखों वाली देवियां उसका संरक्षण कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टुट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। तो स्कैन होने की रात मजदूर लोग टुट को मकबरे से उसके बक्से में से उठाकर लाए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप। पॉल बियरर क्या होता है, सब उठाने वाले इनको बोलते हैं। दे क्लाइम्ड ए रैंप एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। सब उठाने वालों की तरह वो एक ढलान पर और प्रसीडियों की पंक्ति पर बाहर चढ़कर एक रेतीले भंवर, जिसको स्वर्लिंग कहा जाता है, भंवर
उसमें से बाहर आए और देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। ट्रेलर जो कमरा था उसमें जिसमें स्कैनर रखा हुआ था वहाँ पर गए। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद टू मैन इमर्ज्ड, हाँ दो व्यक्ति बाहर की ओर निकले, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई और दौड़कर नज़दीकी ऑफिस में गए, स्प्रिंट माने दौड़ना होता है, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक पैंस और एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ वापस लौट करके आए। द मिलियन डॉलर स्कैलर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सेंड इन ए कूलर फैन। तो लगभग $10,00,000 वाला ये स्कैनर उसको ठंडा करने वाले पंखों में रेत भरने के कारण बंद हो गया था। वो जो स्कैनर था उसके पंखों में रेत भर गया था, उस वजह से वो बंद हो गया था। कर्स ऑफ द फरा जोक ने गार्ड नर्वसली, तो एक गार्ड ने थोड़ा सा परेशान होकर के एक मजाक सा कर दिया कि ये तो इस फराह का अर्थात इस शासक का क्या है, अभिशाप है, इसने साफ दे दिया, इस वजह से बंद हो गया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क्ड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अंततः जो वैकल्पिक पंखे लाए गए थे जो प्लास्टिक के थे उन्होंने कार्य खत्म होने तक अच्छा काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और यह जांच लेने के बाद कि कोई भी आंकड़े गायब नहीं हुए हैं, द टेक्नीशियन टर्न टू ओवर टू द वर्कमैन। तो जो तकनीक की वाले व्यक्ति थे, टेक्नीशियंस जो थे, तकनीकी विशेषज्ञ थे, उन्होंने स्टूट को उन वर्कमैन श्रमिकों के हवाले कर दिया। वो कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए, टॉम्ब में ले गए। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द फरा अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। तो अपने ताबूत से बाहर ले जाए जाने के 3 घंटे से भी कम समय के बाद ये जो फरा था अर्थात टूट था उसी स्थान पर आराम करने लगा, उसी पर विश्राम करने लगा जहाँ दफन करने वाले जो पुजारी थे उन्होंने इसे इतने लंबे समय पहले लिटा दिया था, वहीं पर वो आराम करने लगा। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तब क्या हुआ, एक तकनीकी विशेषज्ञ ने ट्रेलर में वापस आकर अर्थात उस छोटे से कमरे में वापस आकर टूट की एक परेशान कर देने वाली तस्वीर कंप्यूटर पर खींची। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, तो एक भूरे रंग का सिर जो कि तितर बितर कंप्यूटर स्क्रीन पर जिसकी आकृति बन गई, जिसका एक ढांचा बन गया था। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल इट इन ए वेरी डायरेक्शन, और तकनीकी जो विशेषज्ञ था उसने उसे दूर दिशा में घुमाकर और पलट करके देखा। नेक वर्टेब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉम क्लास। तो वर्टेब्री क्या होता है, चोट जिसको बोलते हैं, वर्टेब्री कहते हैं चोट के लिए। तो क्या हुआ कि गर्दन में नेक वर्टेब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, तो उसकी जो गर्दन थी जैसा कि शरीर विज्ञान की कक्षा में दिखाई देता है उसमें चोट स्पष्ट दिखाई दे रही थी गर्दन में। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, जबकि दूसरे चित्र में एक हाथ, पसलियों का एक गुच्छा ही समझिए, और खोपड़ी के बीच का एक भाग दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब तक जो प्रेशर था, जो तनाव था, एक तरह से समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवास स्माइल्ड, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जही हवास मुस्कुराने लगा। वो विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और यह एक तरह से निश्चित रूप से दिखता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड, उसने कहा कि पिछली रात में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत अधिक चिंता थी, बहुत अधिक चिंतित था मैं, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जा करके
सो सकता हूँ, सो जाऊँ मैं जाकर के। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, तो जब हमने ट्रेलर की धातु की सीढ़ियों से डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, हाँ तो उन सीढ़ियों से उतरकर जब हम रेतीले मैदान में आए, द विंड हैड स्टॉप्ड, तो हवा रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो हवा थी वो पूरी तरह से ठंड और बिल्कुल निस्तेज हो गई थी, शांत पड़ गई थी। लाइक डेथ इट्सेल्फ, किसकी तरह, बिल्कुल मृत्यु की तरह। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, हाँ मीन्स डिपार्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो डिपार्टेड का मतलब है मरे हुए हों से आया, डिपार्टेड सोल बोल देते हैं ना मृतक आत्मा, तो मरे हुओं की जो घाटी थी उसमें से हम बाहर निकल करके आए और रेतीले मैदान में आ गए, हवा बंद हो गई थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट टॉम्ब स्टूड ओरियन, तो टूट के मकबरे में प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर, और ओरियन क्या होता है, तारामंडल, ओरियन द कॉन्सिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, नक्षत्रमंडल कॉन्सिलेशन जिसको कहा जा सकता है। तो जो तारामंडल था वो ऊपर स्थित था, जिसे लिखा हुआ है इजिप्टियन, दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, आफ्टर लाइफ मृत्यु के उपरांत, तो जिसे जो प्राचीन मिस्रवासी थे और उसकी आत्मा मानते थे, क्या मानते थे, एज द सोल ऑफ ओरिसिस, ओरिसिस की उसको आत्मा मानते थे, जिसे वे मृत्यु के उपरांत जीवन का देवता भी मानते हैं, और वह देवता उनके अनुसार उस बालक की निगरानी रखे हुए था, वही उसको वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वो जो बॉय किंग जो था अर्थात टूट जो था, वह देवता ही उसकी निगरानी कर रहा था। तो गाइस मैंने आपको ये जो लेसन है आपका इसको समझाने की कोशिश की है, और मुझे ये आइडिया है, ये अनुमान है कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। ओके, थैंक यू।